हेलो, वेलकम टू आईएमएस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को। डोमेस्टिक वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स तीन चीजों पे आते हैं अपने, पहले फिजिकल, फिर केमिकल और फिर बायोलॉजिकल। अपन सारे देखेंगे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में क्या होता है, जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से, जो सीवेज होता है उसका टेम्परेचर एवरेज में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और जो सीवेज का जो टेम्परेचर होता है, वो जो पानी वाटर अपन सप्लाई कर रहे हैं है ना, उसका टेम्परेचर से ज्यादा होता है भाई। जहां जो अपने पानी भेजा, जो पाइपों में अपने पानी आया, उसका टेम्परेचर, और जो अपने सीवेज में पानी जा रहा है सीवर के अंदर, उसका टेम्परेचर उस वाटर सप्लाई के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, जो गर्म हो जाता है ना जो पानी, तो उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक जो सीवेज की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर के बराबर होती है, नियरली इक्वल होती है, ठीक है। अब कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सीवेज का, यहाँ पे सीवेज जो गंदा पानी है सीवेज का, उसका कलर कैसे होता है भाई? फ्रेश सीवेज जो होता है ना, उसको अर्थली या फिर ग्रे कलर का होता है, और जो पुराना सीवेज होता है वो होता, उसको बोलते हैं स्टेल, है ना। वो स्टेल होता है, वो डार्क ग्रे या फिर काले कलर का होता है, ठीक है। अब ओडर के ऊपर, मतलब उसकी बदबू के ऊपर ऐसा है, जो उसके सुगंध, तो जो बदबू है वो, जो फ्रेश सीवेज होता है, जो हाथों हाथ फ्रेश सीवेज होता है, उसकी सोपी, मतलब उसकी साबुन टाइप की खुशबू आती है ओडर, ठीक है। ऑयल की साबुन की ऐसे खुशबू आती है, जब वो पुराना हो जाता है ना, बहुत आवर्स का बहुत हो जाता है वो ऑब्जेक्शन, आफ्टर फ्यू आवर्स वो ऑब्जेक्टिव लो हो जाता है, ठीक है। फिर अपना टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें कितना तक दिखाई वो देता है ना, लाइट जितना पास होती है उतना, कि भाई अपना टर्बिडिटी कितनी है उसकी। फिर उससे अपना आता है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में देखो, एक एग्जांपल ले लो कि 2000 किलो का जो सीवेज होता है ना, उसके अंदर 1 किलो का सॉलिड्स होते हैं, मतलब टोटल डिजोल्व सॉलिड, TDS या TSS जो होते हैं ना अपने, वो होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, जो सीवेज होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ऑयल हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर होता है लाइक, जैसे ग्रिट हो गया, डिजोल्व सॉलिड वो सॉल्ट हो गए, सैंड हो गया, क्लोरीड हो गए, या डिब्रीज, डिब्रीज का मतलब जानते हो भाई, जैसे कि अपना कोई घर ढह जाता है ना, तो उसमें जो कंकड़, मतलब जो उसका ढहने के बाद जो उसका माल मलबा बसता है ना, उसको डिब्रीज कहते हैं, ठीक है। मलबा भी कहते हैं, डिब्रीज भी कहते हैं छोटी छोटी। और फिर अपना नेक्स्ट आता है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होती है कि नेचर ऑफ ए फ्रेश सीवेज एंड ट्रीटेड प्यूरिफाइड इज एल्क्लाइन। जो अपना फ्रेश सीवेज होता है ना, या फिर जो प्यूरिफाइड वो ट्रीटेड होता है, या जो प्यूरिफाइड होता है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। और जो अपना स्टेल होता है, स्टेल मतलब जो पुराना सीवेज होता है, ठीक है, स्टेल होता है मतलब पुराना सीवेज होता है ना, उसका नेचर होता है एसिडिक, वो एसिड होता है, वो एसिडिक होता है, ठीक है। गैसेस प्रेजेंट, यहाँ पे इसके अंदर जो सीवेज होता है ना, उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे मीथेन हो गया, एमोनिया हो गया, हाइड्रोक्लोराइड सल्फाइड हो गया, या फिर अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अपने ऐसे अपने पास यहाँ पे ऐसे आते हैं। फिर अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि केमिकल, जो उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो प्रेजेंट होते हैं ना, उससे केमिकल बनता है, ठीक है। अपने जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से निकला जो वेस्ट होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। जो इंडस्ट्रीज से निकला जो वेट होता है वो अपने जब सीवेज, सीवर के अंदर जो सीवेज से मिलता है ना, तो उससे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं पहले से, ठीक है, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रिएक्शन होते हैं, ठीक है। लास्ट अपना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, अपने सीवेज के अंदर क्या क्या होती है, सीवेज के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगई हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है। ये बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन सीवेज इन लार्ज नंबर, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर दे मे बी क्लासिफाइड एज पैथोजन एंड नॉन पैथोजन बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो अपने जो सीवेज, उसमें लार्ज नंबर में वो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, वैसे सीवेज है तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होगा ही, है ना, तो वो अपने पैथोजन भी हो सकते हैं और नॉन पैथोजन भी हो सकते हैं, ठीक है। जो बीमारियां होती है ना, जो उससे होती है, सीवेज ऑब्टेन सच एज बैक्टीरिया फ्रॉम डिस्चार्ज इज प्रिवेंटेड एंड अमिट सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज। अब ये ऐसा कह रहा है कि जो एनिमल्स और जो आदमियों से, और जो एनिमल से जो वो निकलता है ना, वहां पे डिस्चार्ज होता है अपने आदमियों, जो एनिमल से डिस्चार्ज होता है, अगर कोई बीमार होगा, जैसे कि पहले के टाइम पे, एक पता नहीं बहुत पहले की बात है, मेरे को सही से आदमी एक वो था डायरिया, एक बीमारी हो गई थी, है ना, उससे मतलब आसपास के, मतलब उस देश की लगभग हाफ जनसंख्या थी ना, वो मर गई थी उस बीमारी की वजह से, वो डायरिया की, डायरिया की जो डिस्चार्ज है उसमें कीटाणु थे, और उसकी वजह से वहां पे मच्छर, उससे कीटाणु दूसरी तरफ चले गए, फिर उससे बीमारी फैलती गई, तो
उस वजह से मर गए वो, ठीक है। तो ये होता है मेजर पार्ट, क्या होता है बैक्टीरिया इन सीवेज इंगेज ए कैरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपल एंड स्टेल कार्बन कंपाउंड, मे बी ऑर्गेनिक इन इनऑर्गेनिक। ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया का जो पार्ट होता है वो सीवेज के अंदर इसलिए होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना जो डिजोल्व, और उसके अंदर जो सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ब्रेक, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस कंपाउंड को तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अपना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अपनी ये होती है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अपने देख ली और अपने पे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली है। अपने क्वेश्चन के हिसाब से यही आता है, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ आता नहीं है भाई। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट भी याद कर लोगे ना तो आराम से अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपना इस चीज के लिए अपना आज इतना ही था, नेक्स्ट यूनिवर्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।